माटुंगा अपने साउथ इंडियन कुजीन विशेषकर अपने डोसा और इडली के लिए काफी फेमस है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा माटुंगा के गलियों में, वहाँ के स्वादिष्ट पकवान टेस्ट करवाने के लिए। रोड साइड स्टॉल से लेके फेमस रेस्टोरेंट तक, सब जगह पर हम ट्राई करेंगे वहाँ के फेमस फूड। Hey guys, this is Prasadan. You watching All About India. Welcome to another exciting episode. शुरुआत करेंगे चाय और ब्रेकफास्ट से। आज एक स्पेशल जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि माटुंगा शिवाजी पार्क है ना, उसके पास ही है एंड उसका नाम है मनी। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। सो हम आज ट्राई करेंगे वहाँ पे डोसा, वड़ा, इडली, कई तरह के आइटम्स होते हैं एंड डोसे के भी कई तरह के वेराइटीज़ होते हैं। सो चलिए एक एक करके सारे ट्राई करते हैं। तो भाई उस साइड हमें जाना है, भीड़ देखो काफ़ी सही है भीड़ वहाँ पे। ये मुंबई का एक फेमस कैफे है, हमने ऑर्डर किया मनी स्पेशल डोसा जो कि यहाँ का मोस्ट सेलिंग आइटम है। यहाँ पर मेन्यू में इडली, चीज इडली, मेडू बड़ा, पोड़ी इडली, सीरा, वेराइटीज ऑफ डोसा सब अवेलेबल है। मैंने 2-3 बार यहाँ का डोसा ट्राई किया हुआ है और मुझे हर बार टेस्ट सेम ही लगा। 100 रुपए के अंदर स्पेशल मसाला डोसा फिल्ड विद लॉट्स ऑफ चीज, भाई मजा ही आ गया। अब बार ये साउथ इंडियन नाश्ता की, वो भी टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा माटुंगा रेलवे स्टेशन रोड। यहाँ पर मात्र 20 से 30 रुपए प्लेट के हिसाब से इडली सांभर, वड़ा विथ चटनी, मिनी डोसा सब मिल जाएगा। अगर आपको चीप एंड बेस्ट फूड चाहिए तो भाई ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके ठीक बगल में आपको डोसा स्टॉल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 45 से लेकर 80 रुपए तक डोसा मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर सेजवान मसाला डोसा ऑर्डर किया। डोसा बनते हुए देखना और उसी को गर्मा गर्म टेस्ट करने का मजा ही कुछ और। यहाँ पर आप ऑनियन उत्तपम भी ट्राई कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पर आपको माटुंगा में बढ़िया से बढ़िया लंच ऑप्शन मिल जाएंगे। सो मैं अभी जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुंबई का फेमस फूड मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इंडियन एंड चाइनीज भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स सब मिल जाता है। सो ये जो लोकेशन है ये है माटुंगा वेस्ट, ये रेलवे स्टेशन के पास है। लंच के लिए मैं पहुंचा अपने दोस्तों के साथ माटुंगा के फेमस गंगा विहार। यहाँ के मेन्यू में जितने भी सारे फेमस आइटम्स थे उनमें से कुछ खास आइटम्स हमने ऑर्डर किया। हमने यहाँ पर पिज्जा, नूडल्स, बिरयानी, पाव भाजी, मसाला पाव, बहुत सारे स्वीट डिशेस हमने सब मंगवाया। 85 रुपए में मिसल पाव जिसमें मसाला एंड तेल नहीं था और टेस्ट काफी मजेदार था। अब आ रही थी पाव भाजी की, जिसमें बटर भरपूर था और भाजी की खुशबू लाजवाब थी। ₹210 प्रति बाउल के हिसाब से मिलने वाली वेस्ट सेजवान नूडल्स टेस्ट में स्पाइसी एंड टेंगी था। अब आ रही थी गंगा विहार के स्पेशल बिरयानी की, जिसका प्राइस था मात्र ₹260, जिसको आराम से 2 जन खा सकते हैं। यहाँ का बिरयानी मुझे सबसे यूनिक लगा, जिसको हमने रिपीट पे ऑर्डर किया। अब इतना सब कुछ टेस्ट करने के बाद बारी थी स्वीट्स की। यहाँ पर 3 स्पेशल डेजर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो हमने ये तीनों को ऑर्डर किया। हमने कैरमल कस्टर्ड, मटका राबड़ी और चॉकलेट मूस से ऑर्डर किया। प्राइस के हिसाब से स्वीट थोड़ा सा ओवररेटेड है, लेकिन टेस्ट जबरदस्त। शाम को आपको 12 रुपए वाली बढ़िया सी दावेली मिल जाएगी। आपको इसे खाने के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट के पास आना पड़ेगा। शाम के समय पर माटुंगा में आपको मंचूरियन चाइनीज बेल और मंचूरियन सूप मिल जाएंगे, ये भी यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स है, जहाँ पर कि आप कई सारे आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। सो ये थी मुंबई माटुंगा की फूड टूर, जहाँ पर मैंने कई सारे फूड स्टॉल्स को कवर किया और उनके आइटम्स को टेस्ट किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।